यह है स्टीयरिंग जिससे आपकी गाड़ी के मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। यह है गियर सिस्टम जिसमें कि आपको गियर बदलना होता है। यह है क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर, तीनों चीजें। और यह है आपका हैंड ब्रेक, जब भी आपको गाड़ी पार्क करनी हो, आपको कार पार्क करके कहीं जाना हो तो आप इसको ऊपर प्रेस देंगे तो गाड़ी खड़ी रहेगी और वो आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। कार चलाना मुश्किल काम है क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है या आपको कार चलानी नहीं आती है और आप ड्राइविंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पे हम कुछ मिनटों में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कार चलाना सीख सकते हैं। और कार चलाना सीखने के लिए सबसे जरूरी है पेशेंस रखना। आपको गाड़ी चलाते पेशेंस होना चाहिए कि मेरे से आगे कौन निकल रहा है, मुझे जल्दी है, मुझे देर है, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है गाड़ी चलाते वक्त। दूसरा होता है सावधानी। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि गाड़ी किस तरीके से चला सकते हैं। इसके लिए कुछ एक चीज़ें आप जान लीजिए। ये जो मेरे सामने है यह है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब आप इसको इधर उधर घुमाएंगे, लेफ्ट में करेंगे, राइट में करेंगे तो आपके गाड़ी लेफ्ट में टर्न होगी, राइट में टर्न होगी। ये बैलेंसिंग करने के लिए होता है, गाड़ी को मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए और सारे मूवमेंट के लिए जरूरत होती है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग स्टीयरिंग। इस पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस पर कंट्रोल है तो आप गाड़ी आराम से चला लेंगे। सेकंड होता है गियर सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं गियर सिस्टम, इसमें एक बीच की लाइन है, ऊपर 1, नीचे 2, फिर 3, 4, 5 एंड आर। आर मतलब रिवर्स। जब गाड़ी नहीं चल रही होती है तो वो होता है न्यूट्रल पोजिशन। मतलब अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी गियर नहीं लगे हुए और न्यूट्रल पोजिशन है। पहला गियर में गाड़ी लगाने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। आप अपने लेफ्ट में इसको ले जाएं इस तरीके से और फिर आगे कर दें। तो दिस इज फर्स्ट गियर। फिर वापस से आप न्यूट्रल पे आ जाएं। लेकिन जब भी आपको कोई भी गियर लगाने होते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या रिवर्स, आपको हर बार क्लच का उपयोग करना पड़ता है। क्लच के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्लच कहाँ होता है और कैसे यूज करते हैं। अभी मैं आपको केवल गियर बताऊंगा। और आप गियर के बारे में ये जान लें कि जब भी आपको गियर यूज करना होगा तो आपको क्लच को दबाना होगा, ये आप ध्यान रख लें। बस क्लच को यूज करते हुए आपको गियर बदलने होंगे। जैसे कि अब फर्स्ट गियर में, अभी गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल में है, यानी कि न्यूट्रल में लेफ्ट राइट में कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रही, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल न्यूट्रल में खड़ी है, कुछ नहीं होगा, इस गाड़ी को चलेगी नहीं। अब अगर मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी है तो मुझे सबसे पहले इस तरीके से पकड़ना होगा उसको, और उसके बाद में अपने लेफ्ट में ले जाऊंगा, क्लच दबाऊंगा। अभी मैंने इस टाइम क्लच दबा रखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से क्लच लगाना है और फिर आगे की तरफ करना है। ये होता है फर्स्ट गियर। वापस से अगर हमको न्यूट्रल में आना है, यानी कि वापस से हमको गाड़ी नहीं चलानी और कहीं पर रुकना है, और तो आप वापस पीछे आए और इस तरह से कर दें। तो दिस इज न्यूट्रल। अभी हम न्यूट्रल में आ गए हैं। अब आपको सेकंड गियर में जाना है तो इधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे और फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे। वापस से न्यूट्रल में आना है तो वापस से आगे, फिर अगर आपको थर्ड गियर में जाना है, डायरेक्ट फर्स्ट गियर में नहीं, डायरेक्ट थर्ड गियर में जाना है, थर्ड गियर सबसे सीधे सीधे आगे ले जाए। फोर्थ गियर में जाना है, सीधे पीछे आ जाए बिना रुके। बीच में एक हल्का सा झटका आता है, हल्का सा झटका, एंड देन 3, जैसे 3 to 4, 4 to 3। अब 3 to 1 करने के लिए हमको इधर जाना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये गियर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रख रहे हैं, जब भी आपको गियर बदलना हो तो आपको क्लच का उपयोग करना होगा, क्लच दबाना होगा। ये तो हो गया कि गियर किस तरीके से बदले जाते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये होता है हैंड ब्रेक। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद कहीं रुकते हैं और गाड़ी को खड़ी करनी होती है तो आप इसको ऊपर करें और सीधे खींच दें तो यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक लग गया। मतलब आप गाड़ी न्यूट्रल में होने पर आगे पीछे नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं हिलेगी नहीं, तो ये न्यूट्रल में रहेगी गाड़ी। अभी गाड़ी चलानी है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो आपको समझना जरूरी है वो है क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। आपको जो लेफ्ट पैर है उसको आपको हमेशा क्लच पर रखना होता है, दिस इज क्लच। इसके बाद आपको सीधा पैर यूज करते हुए ब्रेक एंड एक्सीलेटर यूज करना होता है।
यह है एक्सीलेटर, हमको गाड़ी जब चलाते हैं तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमको ये दबाना पड़ेगा। यह है ब्रेक, जब भी गाड़ी को रोकनी हो तो ब्रेक दबाना पड़ता है। तो हमको लेग की पोजीशन हमेशा इन दोनों के बीच में मूवमेंट होती रहती है, स्पीड देन ब्रेक, स्पीड ब्रेक, इस तरीके से। क्लच के पास में हमेशा ही पैर इस तरह से रहता है, यहाँ पर या यहाँ पर, इस तरीके से। तो आप समझ गए कि लेफ्ट लेग से आपको क्लच यूज करना होता है, राइट लेग से आपको ब्रेक एंड एक्सीलेटर यूज करना होता है। अब गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखते हैं हम। अब गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले, जैसे अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि गाड़ी खड़ी है और केवल स्टार्ट पोजीशन में है और अभी इसको आगे नहीं बढ़ाया है, तो दिस इज न्यूट्रल पोजीशन, इसमें गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट गियर के लिए सबसे पहले वापस देखिए कि मैंने क्लच प्रेस करूंगा, हल्का सा क्लच प्रेस किया एंड वापस से मैं आऊंगा गियर सिस्टम पर और मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और लेफ्ट में ले गया और आगे ले गया, दिस इज फर्स्ट गियर। अब मुझे इसको छोड़ देना है। अब वापस से नीचे आएंगे, अभी भी देखिए मैंने क्लच प्रेस करके रखा हुआ है, क्लच को नहीं छोड़ा है, क्योंकि क्लच छोड़ दूंगा तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। क्लच को नहीं छोड़ना है आपको, प्रेस करके रखना है जब तक कि गाड़ी एक स्पेसिफिक स्पीड में नहीं आ जाए। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़िए और ये जो पैर है आपका ये एक्सीलेटर पे दबाइए हल्का हल्का, देखिए मैंने धीरे धीरे हल्का हल्का दबाया, दबा रहा हूँ तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब आगे गाड़ी बढ़ रही है, देखिए ये इतनी स्पीड से मैं आगे गाड़ी बढ़ा रहा हूँ। अब आपको वापस दिखाता हूँ कि अभी मैं इस टाइम हल्का सा क्लच के ऊपर से पैर हटाया और एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ तो गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब मैंने क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ दिया, अभी इस टाइम हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी क्योंकि ये गाड़ी की स्पीड मेरी केवल 10 के आसपास है, तो 10 के आसपास अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है तो तब तक तो फर्स्ट गियर ठीक है, लेकिन अगर आपको 10 से ज़्यादा की स्पीड पे गाड़ी ले जानी हो तो आपको सेकंड गियर बदलना पड़ेगा। अब सेकंड गियर बदलने के लिए वापस से हल्का सा क्लच प्रेस करें और चलती गाड़ी में, गाड़ी अभी चल रही है और गियर को आप देखें, यहाँ पे मैं वापस से वही फर्स्ट गियर में पीछे लेके गया। अब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ गई, फर्स्ट गियर के अंदर एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जिस पे आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी गाड़ी की स्पीड लगभग 20 की हो चुकी है और मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है, देखिए 20 की स्पीड से। अब वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम मैंने क्लच हल्का सा प्रेस करके रखा हुआ है, अब इसको मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब क्योंकि गाड़ी की स्पीड मुझे धीरे धीरे करके बढ़ानी है, आगे गाड़ी ले जानी है। ये ध्यान रखिए आप हमेशा कि क्लच को कभी भी अचानक से नहीं छोड़ना है और एक्सीलेटर पे अचानक से स्पीड नहीं बढ़ानी है। हमेशा जब भी क्लच प्रेस करें तो उसको धीरे धीरे प्रेस करें और जब भी छोड़ें तो भी उसको धीरे धीरे छोड़ें। उसी प्रकार स्पीड भी जब भी बढ़ानी है तो धीरे धीरे करके बढ़ानी है और जब भी स्लो करना है तो धीरे धीरे करके स्लो करना है। मतलब स्लो करने के लिए तो आपको एक्सीलेटर पे से पाँव हटानी पड़ेगा और ब्रेक दबाना होगा। अब मुझे स्पीड बढ़ानी है और मुझे थर्ड गियर में जाना है, तो थर्ड गियर में जाने के लिए वापस से मुझे क्या करना होगा आप देखिए। वापस से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मुझे गियर चेंज करना है तो मुझे क्लच प्रेस करना होगा। अब मैं थर्ड गियर में जाना चाहता हूँ, तो थर्ड गियर में जाने के लिए वापस से मैंने हल्का सा क्लच प्रेस किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे भी सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, इसको सीधे लेके गया तो ये गाड़ी थर्ड गियर में आ गई। अब गाड़ी को थर्ड गियर में ले गई, मतलब अब मेरी गाड़ी की स्पीड मैं 20 से ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके 30 की तरफ जा रही है गाड़ी की स्पीड। इस टाइम पे मैंने हल्का सा क्लच प्रेस कर रखा था, वो मैंने क्लच छोड़ दिया, अब मैं एक्सीलेटर पे प्रेस कर रहा हूँ और ये पैर हटा दिया है मैंने ये। अब आप लोग हो सकता है कहेंगे कि कभी क्लच पे पैर रखना है, कभी ब्रेक पे पैर रखना है, बार बार मैं आगे पीछे पैर रखना पड़ेगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि किस पे कौन सा पैर रखना है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करें गाड़ी चलाने की, मतलब यहाँ पे मैं कुछ मिनटों में आपको गाड़ी जरूर सिखा सकता हूँ, स्टेप सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी जगह पर वीडियो में बताया गया है कि 10 मिनट के अंदर गाड़ी चलाना सीखे, 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीखे, सब जगह पर वो आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि क्या करना है, किस तरीके से हमको, कि एक्सीलेटर क्या होता है, स्पीड किस तरह से बढ़ाई जाती है, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन ये सब याद होने के लिए, मतलब माइंड में अपने आप सिग्नल जाना चाहिए कि बस वो करने के लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
ये चीज आप रट नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अभी आपको मैं जो पैर रखा हुआ है, पैर की पोजीशन में इसलिए रखी हुई है यहाँ पर, इससे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब भी स्पीड देना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, और कभी ब्रेक लगाना पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये उस पोजीशन के लिए। अभी मैंने हल्की सी स्पीड दे रखी है और मेरी गाड़ी की स्पीड 30-35 के आसपास है, और मुझे इस स्पीड को मेंटेन करके रखना है तो मुझे एक्सीलेटर पे पैर रख के चलना ही पड़ेगा। कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं एक्सीलेटर से ऑप्शन रखूँ, अनलेस कि आपके पास क्रूज कंट्रोल हो। क्रूज कंट्रोल क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बेसिक बातें मान लीजिए कि अगर आपको स्पीड कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखनी है तो आपको एक्सीलेटर पे पैर रखना रख के चलना पड़ेगा। अभी आपको ब्रेक पे पैर नहीं रखना, केवल एक्सीलेटर पे पैर रखना है। लेकिन जैसे ही मुझे हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ा तो मैंने ब्रेक पे पाँव रखा और स्पीड को छोड़ दिया, वापस से मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैंने वापस से एक्सीलेटर पे पैर रख लिया। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आपको, कि राइट साइड का जो पैर है आपका, राइट लेग है, वो आपको ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में बहुत जल्दी मूवमेंट होता है। जैसे जैसे ब्रेक लगाना होता है तो ब्रेक लगाना पड़ता है, और एक्सीलेटर अगर स्पीड देनी होती तो स्पीड देते हैं। अभी आप नोटिस करेंगे कि मैंने क्लच पे पैर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड कंटिन्यूसली मेंटेन है और 30-35 के बीच में चल रहा हूँ। थर्ड गियर पे लगा रखी है गाड़ी, तो थर्ड गियर पे अगर 30-35 के बीच में गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरीके के लिए क्लच का यूज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मुझे आगे भीड़ आती है या रेड लाइट आती है या गाड़ी रोकनी पड़ती है या मुझे किसी भी तरीके से गियर चेंज करना पड़ता है तो मुझे क्लच का उपयोग करना पड़ेगा, उस टाइम पे क्लच का उपयोग जरूरी है। अब जैसे कि आप आगे देखेंगे, मैं यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ, थोड़ा सा भीड़ बाढ़ का इलाका आ रहा है और रेड लाइट भी आने वाली है, तो इस जगह पर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ेगा और हो सकता है कि गाड़ी को सेकंड गियर में डालना पड़े। अभी तो थर्ड गियर में सही है, बट जैसे कि मैं रेड देख रहा हूँ आगे थोड़ा बहुत भीड़ आ रहा है, तो मुझे गाड़ी की स्पीड मेरी बहुत कम हो चुकी है, 20 की स्पीड हो चुकी है। तो अब मुझे 20 की स्पीड पर अगर गाड़ी रखनी है तो मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए गाड़ी बहुत सा, ये आगे वाली गाड़ी चल नहीं पा रही है, तो मैंने वापस से एक्सीलेटर को छोड़ा, क्लच को प्रेस किया हल्का सा और गियर को पीछे लेके आया और सेकंड गियर लगा दिया। तो अभी मैंने सेकंड गियर पर हूँ, अब मैं देखता हूँ कि रेड लाइट नहीं है, ग्रीन लाइट है, तो वापस से मुझे स्पीड देना है, तो वापस से मैंने क्लच को प्रेस किया और थर्ड गियर लगा दिया। मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि जब भी आपको स्पीड देनी हो तो आपको एक्सीलेटर के लिए यूज करना पड़ेगा, पाँव राइट लेग यूज करना पड़ेगा। जब भी आपको क्लच दबाना हो तो इसका मतलब आप गियर बदल रहे हैं, स्पीड स्लो कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है बाहर जिसकी वजह से आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ रही है या गियर चेंज करने पड़ रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट से लेकर फिफ्थ गियर में जाएं या फिफ्थ से लेकर फर्स्ट में आए, आपको हर बार क्लच का उपयोग करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो जरूर ध्यान रखें कि गियर बदलने के बाद क्लच को अचानक से ना छोड़ें, उसको धीरे धीरे छोड़ें, और उसी टाइम पे जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। यानी कि आप एक तरफ तो हल्का हल्का स्पीड इंक्रीज करेंगे और हल्का हल्का क्लच छोड़ते जाएंगे। तो यही एक प्रोसेस होता है गाड़ी को एक गियर से दूसरे गियर में जाने के बाद स्पीड बढ़ाने का। तो ये तो थी बहुत बेसिक चीजें, आप वापस से आपको एक रिमाइंड कराता हूं, यह है स्टीयरिंग जिससे आपकी गाड़ी के मूवमेंट होता है, लेफ्ट राइट करने के लिए होता है, यह है गियर सिस्टम जिसमें कि आपको गियर बदलना होता है, यह है क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर तीनों चीजें, और यह है आपका हैंड ब्रेक। जब भी आपको गाड़ी पार्क करनी हो, आपको कार पार्क करके कहीं जाना हो तो आप इसको ऊपर प्रेस कर देंगे तो गाड़ी खड़ी रहेगी और वो आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगी, इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। तो इस तरीके से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, उन चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें और हमें करनी पड़ेंगी, क्या क्या करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, इस वीडियो में मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ड्राइविंग रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर
मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सभी लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।